वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ गुलाम्स लॉ। क्या कल हम लोगों ने गुलाम्स लॉ के बारे में काफी सारी बातें की थी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर है। गुलाम्स लॉ का जो फॉर्मूला मैंने कल आप लोगों को बताया था, दैट वाज एफ इज इक्वल टू 1/4πε0k Q1 Q2 r² क्लियर है। ये रिलेशन कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहां पर मैंने दो चार्जेस बनाए थे, क्या बनाए थे बच्चों, चार्जेस Q1 Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस क्या था, r था कि नहीं था, क्या था r, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सीन क्लियर है। ये बिल्कुल ग्रेविटेशन की तरह है, 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर आपने जो पढ़ा था, राइट, उसी की तरह है। तो यहां पर Q1 और Q2 दो चार्जेस थे, ये कैसे चार्जेस थे। हाँ, एक तो पॉइंट शेप के थे इसलिए पॉइंट चार्जेस हैं, दूसरा रखे थे या चल रहे थे, और रखे थे मींस स्टैटिक चार्जेस, राइट। मैंने आपको स्टेटमेंट में भी बताया था, क्लियर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, क्लियर। ये जो चार्जेस हैं, ये इनमें कुछ खास विशेषता है, विशेषता ये है कि दोनों ही चार्जेस स्टैटिक पोजिशन में, यानी कि रेस्ट पोजिशन में है, और दोनों ही पॉइंट चार्जेस हैं, क्लियर, पॉइंट शेप के चार्जेस हैं, क्लियर। यानी ये जो दो वर्ड है ना कूलाम्स लॉ में आपने जो पढ़े थे स्टेटमेंट में, स्टैटिक और पॉइंट, यहीं से आपके दो लिमिटेशंस निकल के आते हैं, क्लियर। पहला लिमिटेशन ये रहा और दूसरा लिमिटेशन ये रहा। सबसे पहले तो आप एक बात बताओ, लिमिटेशन वर्ड का मतलब समझते हो आप लोग, हाँ, क्लियर। लिमिटेशन मतलब एक ऐसी रेंज जहां तक हम उस चीज को इस्तेमाल कर सके, बियॉन्ड उस रेंज के जाएंगे तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल तराजू है, तराजू उस पर लिखा है 5 किलोग्राम के लिए। अब तुम जो सोचो कि बात तराजू थे मैं 50 किलो तौलूं, तो वो नहीं तोल पाएगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, सीन क्लियर है। इसी प्रकार यहां पर गुलाम्स लॉ हम सोचे कि हर जगह अप्लाई हो जाए, ऐसा नहीं होता, क्लियर। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्लियर। तो वो लिमिटेशंस क्या है वो हमें जाननी है, वही पूछ रहा है हमसे इस क्वेश्चन में। तो उसको बोला गुलाम्स लॉ इज एप्लीकेबल only for the charges which are in static position or you can say rest position, clear. Coulomb's law is applicable only for the charges which are in rest position, clear hai. Dusra, it is applicable only for the point charges. Coulomb's law jo applicable hota hai wo point charges ke liye applicable hota hai. Seen clear hai sabhi ko. Iske alawa kuch aur bhi limitations hai iski. Coulomb's law mein zahir si baat hai do charges hai, inke beech ka kuch na kuch distance hai, to ye jo distance hai na वो 10^-15 मीटर से लेके कुछ किलोमीटर तक की रेंज का होता है। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं, यानी चार्जेस के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है तो भी ये एप्लीकेबल होते हैं। समझ पा रहे हैं, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं लॉन्ग रेंज फोर्सेस। और इसकी जो रेंज होती है दैट इज 10^-15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक होती है। इसका मतलब ये है कि अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 10^-15 मीटर से कम हो जाए तो ये एप्लीकेबल नहीं है, और कुछ किलोमीटर से ज्यादा हो जाए तो भी ये एप्लीकेबल नहीं है। समझ पा रहे हैं, क्लियर। तो ये इसकी क्या है, रेंज है। क्या है इसकी, ये रेंज है। कितनी रेंज होती है, 10^-15 मीटर टू सम किलोमीटर। सीन क्लियर है। अगली बात, कूलाम्स लॉ जो है दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, क्लियर। कूलाम्स लॉ जो है दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। ये स्टेटमेंट हमने क्यों दिया है, इसको समझने की कोशिश करें आप लोग। आप लोगों को याद है कल मैंने जब आपको कूलाम्स लॉ पढ़ाया था तो कैसे पढ़ाया था, इसको थोड़ा ध्यान दो। मैंने कूलाम्स लॉ जब पढ़ाना शुरू किया, सबसे पहले तो आपको ये स्टेटमेंट या फॉर्मूला रटवा दिया, यही तो कराया मैंने। फिर इसी को देख के मैंने आपको बुलवा दिया एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। फिर मैंने इसी को देख के आपको दूसरा इक्वेशन बनवा दिया था एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r², याद है आपको, बोलो भैया। और उसके बाद आपने यहाँ पे सॉल्व करके ये वाला फॉर्मूला प्रूव कर दिया। अब आप थोड़ा खुद ही कॉमन सेंस से सोचो, पहले ये आया होगा या पहले ये आया होगा, जाहिर सी बात है पहले ये आया। और ये कहाँ से आया, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्लियर। ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पर जो रखे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसीलिए बोला गया इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। सीन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए ये दो चार्जेस हैं, जाहिर सी बात है इन चार्जेस का कुछ ना कुछ नेचर भी होगा, हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, राइट।
तो इनके बीच में फोर्स भी लगेगा अकॉर्डिंगली। अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। सही बोल रहा हूं ना, सीन क्लियर है? अब मुद्दा यह है कि अगर इन दोनों चार्जेस की विसिनिटी में, विसिनिटी मतलब रीजन, क्षेत्र, एरिया, इलाका, क्लियर है, यानी इन चार्जेस के चारों तरफ ये इलाका है, ये विसिनिटी है, ये रीजन है, ये एरिया है, इस एरिया में अगर मैं कोई तीसरा चार्ज रख दूं, यहां पर कोई तीसरा चार्ज रख दूं, तो ये तीसरा चार्ज इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्लियर, माइंड इट, ध्यान देना। देखो भाई ये क्यू वन है, ये क्यू टू है, थोड़ी देर के लिए मैंने इनको नेचर भी दे दिया, लो प्लस प्लस प्लस, ठीक है भैया। ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये बात सही है, ठीक है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। अब मैंने इनके पास तीसरा चार्ज रख दिया, तो ये बात सही है कि ये तीसरा इस पे फोर्स लगाएगा, ये सही है, ये भी सही है कि ये तीसरा इस पे भी फोर्स लगाएगा, लेकिन ये तीसरा इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। यानी दो चार्जेस के पास अगर कोई तीसरा चार्ज रख दिया जाए तो वो तीसरा चार्ज उन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई इंपैक्ट नहीं डालता है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। सीन क्लियर है? ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे आपसे, कम से कम दो लिमिटेशन आपको याद रहेंगी, पर्याप्त है, ठीक है भाई। देखो भाई दो तरीके से पढ़ाया जाता है, एक तो नॉलेज के लिए और एक नंबर्स के लिए, और दोनों में बहुत फर्क होता है, राइट। अभी स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, पूरा पढ़ने की कोशिश करो, कल को अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आपको कोई भी देना है तो आपको इन सब चीजों से होकर गुजरना ही पड़ेगा, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? क्लियर है? लेकिन क्या होता है, क्लैरिटी के साथ किसी चीज को करना, तो हमेशा ध्यान रखो पैटर्न पता है आपको कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का आने वाला है, ट्वेल्थ क्लास में मैं भेज दूंगा आपको, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप, मुझे मालूम है इसमें से एक नंबर का एक क्वेश्चन है, दो नंबर का एक क्वेश्चन है, तीन नंबर का एक क्वेश्चन है, तो मैं लिमिटेशन ज्यादा से ज्यादा तीन भी अगर मुझे अच्छे से याद होंगी मेरा काम बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, सीन क्लियर है? पर पता सारी होनी चाहिए, क्लियर, क्योंकि ओटी फिलअप के फॉर्म में कुछ भी पूछ सकता है। और आपको एक बात बता दूं, काफी सारे बच्चे होते हैं लास्ट मोमेंट में बोलते हैं सर इंपॉर्टेंट दे दो, इंपॉर्टेंट दे दो। सॉरी टू से पेपर का पैटर्न बदलता जा रहा है, पहले कम ओटी आते थे, फिर 20 नंबर के ओटी फिलअप वगैरह हो गए, इस बार 28 नंबर के हो गए, समझ रहे हैं। और मैं तो भगवान से दुआ करूंगा कि पूरा ही 100 में से 100 को ओटी आ जाए, क्लियर, समझ रहे हैं। उससे पता है क्या है, आप लोग इंप्रूव हो जाओगे, और ऐसा लग रहा है ना आपको कि हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। बच्चा हमेशा कॉम्पिटिशन को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करता है, अगर कॉम्पिटिशन टफ हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को और टफ बनाएंगे अकॉर्डिंगली। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? तो भगवान से दुआ करो 100 में तो 100 को, और वैसे भी अच्छा है, नकल करने में आसानी होती है। यस, क्लियर, चलो ठीक है। पर खैर बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो किसी पट्टे ने अगर मुझसे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ पूछ लिया तो बता तो नहीं पाएंगे ना भाई, बता देंगे, क्लियर, कि स्टैटिक चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है, लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, रेंज होती है 10^-15 मीटर टू सम किलोमीटर, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पर बेस्ड है, दो चार्जेस के पास कोई तीसरा चार्ज रख दिया जाए तो वो चार्ज उन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। सीन क्लियर है सभी को? फटाफट पढ़ ले फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, आओ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे कितने लोग हैं जिनका आज फर्स्ट डे है, पहला दिन, यहां से फोकस कर लेना, कैच कर पाओगे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और जिन लोगों का पुराना छूट गया है, जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, एक या दो दिन बाद आप लोगों के पास स्टार्टिंग से मैंने जितना भी पढ़ा है उसके वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे, क्लियर। आप सभी लोग एक काम करना, अपना नाम, क्लास और मीडियम व्हाट्सएप कर देना, तो आपको 12 क्लास का जो नया ग्रुप है उसमें जोड़ देंगे सभी लोगों को, ठीक है ना। जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है, क्लियर। चलो तो क्वेश्चन हमारे सामने है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। का इलेक्ट्रिक फील्ड, लिसन एवरीवन, ये देख रहे हो, ये आग जल रही है, का जल रही है, आग, इट्स अ फायर, क्या है ये, हाँ आग जल रही है, तो आग के चारों तरफ ये जो रीजन है ना, ये जो एरिया है, तो ये क्या है, थर्मल फील्ड है। बोलो भैया कैसी फील्ड है, थर्मल फील्ड है, क्यों, क्योंकि यहां पर आप हीट को महसूस कर सकते हैं। बोलो भैया यस और नो, हेलो नहीं हेलो, ए का लोगे महसूस, क्या, हीट है ना, और ये हीट पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन, फायर, क्लियर, क्या, फायर। जिस प्रकार आग के चारों तरफ थर्मल फील्ड, थर्मल फील्ड बोले तो ऊष्मीय क्षेत्र, समझते हो ना, इतना तो क्लियर है, हैं,
बोलो तातो सो लगेगा कि नहीं लगेगा, चारों लंग लगेगा ना। इन द सेम वे चार्ज, ये चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी को फील कर सकते हैं। क्लियर? द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन फील इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सीन क्लियर है? द रीजन अराउंड द चार्ज, किसी चार्ज के चारों ओर का वह रीजन जहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी को फील कर सकें, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? मैं बार बार पूछूंगा तुमसे, ये थर्मल फील्ड पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? हाँ, फायर कभी नहीं पूछूंगा, लेकिन ये जरूर पूछूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन। किसी भी जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है तो उसके पैदा होने के लिए जिम्मेदार होता है चार्ज। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? चार्ज। सीन क्लियर है? क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? चार्ज। द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन फील इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? फटाफट पढ़ लो, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। क्लियर? इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तैयार है हम सब लोग? चलो, तो आपको ये समझ में आता है कि किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने के लिए जिम्मेदार चार्ज होता है, राइट? ओके, अब मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। ये चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक ऑलमोस्ट शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन इसका यूज ना आए। क्लियर? अच्छे से समझ लेना। लेकिन इसको समझने के लिए मैं कुछ चीजें आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको पता होंगे। मैं भी यहां पर पढ़ा चुका हूं और आप लोग वैसे भी 9-10 से इन बातों को जानते हैं। वो चीजें सुन लें, क्या है आप बताएं, सुने नहीं बताएं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट नेचर के चार्ज है। कैसा फोर्स लगता है? सब जानते हो ना, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो रिपल्शन में ऐसे या ऐसे? ऐसे। सबको पता है, मतलब हम लोग ये जानते हैं, ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। सबको क्लियर है? तो फिर सुनो, जो बता रहा हूं बिल्कुल दिमाग पे बिठा लेना। ये चार्ज देख रहे हो आप? बोलो भैया कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आवाज नहीं है। अच्छा छोड़ो, गोली मारो। ये क्या लिखा है, प्लस का है माइनस का? तो जा मैं ना बोलो पर रहो तुम पे, कैसा चार्ज है? जब कुछ नहीं दिया तो पॉजिटिव अंडरस्टूड होता है, राइट? क्लियर है? जैसा यहां वैसे ही यहां। क्लियर है? मैंने अगर कोई सिंबल बनाया नहीं है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज अंडरस्टूड है। गॉट इट एवरीवन? तो ये क्या है बच्चों, सुना है चार्ज के चारों तरफ कुछ पैदा होता है, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बढ़िया, चकाचक बढ़िया, फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया भैया। ठीक है भैया, क्या पैदा हो गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। मान के चलो ये आग होती तो यहाँ पर थर्मल फील्ड होता, मान के चलो ये आग है तो यहाँ पे आपको हीट ज्यादा महसूस होती है, यहाँ ज्यादा महसूस होती, जंपे मजा आया तो। क्लियर? और यहाँ पर हीट थोड़ी सी कम लगती, यानी जैसे जैसे मैं आग से दूर होता जाऊंगा इंटेंसिटी ऑफ थर्मल फील्ड बढ़ जाएगी या घट जाएगी? घट जाएगी, समझ गए? अब ये चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, झटका किसको ज्यादा लगेगा? पास वाले को ज्यादा लगेगा, दूर वाले को कम लगेगा? यानी अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। सीन क्लियर है? कहां पे ज्यादा है? पास ही में, यहां पर कम है। यानी चार्ज से जैसे जैसे दूर जाता जाऊंगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। सीन क्लियर है? समझ में आ रही बात सभी को? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है या अलग अलग होता है? हाँ, अलग अलग होता है। ये बात आप सबको समझ में आ गई बेटा? सीन क्लियर? तो चलो, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन वो हर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन भी होती है। आज हमें वो डायरेक्शन निकालना सीखना है, आज हमें वो डायरेक्शन निकालना सीखना है। को पट्ठा ने मोते यो कही कि भैया ये एक चार्ज रखा है, कौन सा है ये, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। किसी पट्टे ने मुझसे ये पूछा, तीन बार बताऊंगा,
चौथी बार मैं फोड़ूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, क्लियर। इसलिए सीख लो, तीन बार में सीख लो और पहली बार में ही सीख लो। ये पॉजिटिव चार्ज है। किसी पट्टे ने मुझसे ये पूछा कि भैया इस पॉइंट पर, ये पी पॉइंट है, मान लिया मैंने पी पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ किस तरफ होगी। तो नियम सुन ले, नियम ये कहता है, अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे जाके आप, तो नियम ये कहता है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है वहां पर हम हमेशा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लेते हैं, प्लस वन कूलाम का चार्ज, यूनिट यानी वन, पॉजिटिव आप जानते ही हो, क्लियर। यानी मैंने यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लिया, बस पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो जे कितको जागो, एह जागो, एह जागो, एह जागो। तो चूंकि इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ना, तो इस तरफ फोर्स लगा, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? शुद्ध देसी में अगर बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज पे तालंग फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। नहीं आई बात समझ में? ये ठीक उसी प्रकार है, महसूस करो। पतंग उड़ाई कभी जिंदगी में देखी नहीं होगी, देखी है ठीक है, तो पतंग उड़ाई भी होगी। पतंग उड़ाने से पहले हमें पता करना पड़ता है हवा कितनी लंग बह रही है। बोले भैया, तो तुम बढ़िया फर्स्ट क्लास जो ऐसे मट्टी ले ले दो और ऐसे छोड़ दे दो। बोले भैया, और जैसे ही मट्टी आपने छोड़ी तो मट्टी उड़न लगते हैं, उड़न लगन उड़न। मट्टी अगर जालंग उड़ रही है तो हवा जालंग बह रही है तो कहा? अच्छा, तालंग मट्टी उड़ाई तो हवा बह रही है। अच्छा, साइंस की लैंग्वेज में ऐसे ऐसे बोलूं, मिट्टी पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही एयर फ्लो की डायरेक्शन होती है। ये सर रहो का का, मिट्टी पे है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही एयर फ्लो की डायरेक्शन होती है। तो एयर फ्लो की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको काय का इस्तेमाल करना पड़ा? इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको काय का इस्तेमाल करना पड़ा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। समझ में आई मेरी बात? यूनिट पॉजिटिव चार्ज से हमें दिशा पता चल जाती है, डायरेक्शन पता चल जाती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और यूनिट पॉजिटिव चार्ज में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। का गलत कह दी मैंने जामे? सीन क्लियर है? आइए देखें, बताइए एक बार और बताऊंगा, बाकी बात पूछेंगे। ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है भैया। किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया कि भैया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? खुद ही सोच लो वैसे मन में कहाँ होगी, बताओ। हाँ, तो जिस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी होती है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लिया, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, तो कितको है? तो बस यही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। नहीं यही बात समझ, क्लियर? बताओ चलो, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन बताओ चलो। सीन क्लियर है? हेलो है, हेलो है, नहीं हेलो है, क्लियर। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी, क्या करोगे? पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करोगे, जिस तरफ जाएगा कोई डायरेक्शन होगी, होगी नहीं होगी, बताइए ना। देख कौन सा बता मैं मुंह पे थे, ये प्लस की चार्ज है, जहां पॉइंट में बताऊ रिपल्सन कैफे, इशारा करो हाथ से। हाँ, एफ ए। सीन क्लियर है? क्योंकि पॉजिटिव मानेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्स टी, नहीं बस में। सीन क्लियर है? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे, क्लियर। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है वहां पर हम लोग क्या अज्यूम करते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कहीं ऐसे कहते हैं, क्लियर, ठीक है। जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती है वहां पर हम लोग क्या अज्यूम करते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना आ गई आपको, आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं आगे की बात करता हूँ आपसे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना ये सारी कड़ियां अभ्यास जुड़ने वाली हैं 2 मिनट बाद, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ा कुछ 11th का पार्ट शायद आपका क्लियर हो, क्लियर नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये चीजें समझ लो, ये मैं साल भर यूज करूंगा, ठीक है ना। आइए, एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता जालंग खींच रहा हो 5 न्यूटन ते और बिल्ली जालंग खींच रही है 3 न्यूटन ते, तो बताओ ये ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा? जालंग जाओ तो मिलजुल के जाए, एह ले जाएंगे, है ना। ये रोज रोज नहीं बताऊंगा, आज क्लियर कर लो। नेट फोर्स कितना है? 8 न्यूटन। कितना है? 8 न्यूटन। एक ही डायरेक्शन में जब फोर्स लगते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, क्लियर। कोई भी क्वांटिटी अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो जुड़ जाती है। दूसरा बताओ, कुत्ता जालंग खींच रहा 5 न्यूटन थे, बिल्ली जालंग खींच रही है 3 न्यूटन थे, अब बताओ नेट फोर्स कितना है? 2 न्यूटन है, क्योंकि 5 थे कुत्ता जालंग खींच रहा है, 3 थे बिल्ली जालंग खींच रही है, जाओगे तो कौन ये? अच्छा जी, ज्यादा लगा रहे हो ताते है, मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन जब अपोजिट होती है
तो नेट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अरे भैया पांच थे, कुत्ता खेच क्या ले यार, आराम से बिल्ली पीछे की तरह खेच रही है, 3 न्यूटन थे, नहीं आई मेरी बात समझ में, सीन क्लियर है ना। तो बिल्ली 3 न्यूटन से खींच रही है तो उसका अपोज कर रही है ना, तो कुत्ता एक्स्ट्रा ताकत कितनी लगा रहा है, दो की तो लगा रहा है, ताकत दो मैंने हमें माइनस कर दो, का कर दो माइनस कर दो, है ना। तो नेट फोर्स कितना आया, 2 न्यूटन। जन्नत तो को बता देगा, दिमाग में उतार लो, डायरेक्शन अपोजिट होती तो माइनस कर देते हैं, किस में से किसको माइनस करते हैं, बड़े में से छोटा। ओहो आगे बढ़ते हैं, अरे जन्नत तो को बता दे तो जा, मैं तो कुछ होता ही नहीं है, जा बताओ तब जानू तुम्हें मैं। जी ऑब्जेक्ट है, कुत्ता जालंग खेच रहा है और बिल्ली जालंग खेच रही है, बिल्ली खेच रही है 5 न्यूटन थे, कुत्ता खेच रहा है 4 न्यूटन थे, अब बताओ जी कितना जाओ। हाँ तो जो पुराने पढ़े लिखे पंडित हैं वो सब जानते हैं, लेकिन बाकी के लोग नहीं जानते, राइट। जो लोग जानते हैं वेल एंड गुड, जो लोग नहीं जानते वो समझ लें। अभी तक क्या था, सेम डायरेक्शन में लग रहे थे, जुड़ रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, अब यहाँ पे तो नजारा ही अलग है, क्लियर। कई लोगों के दिमाग में आ रही है, कुत्ता ज्यादा बिल्ली ज्यादा ताकत लगा रही है, तो ये जाओ, है ना। हाँ वेरी गुड, है ना। और कुछ लोग सोच रहे हैं 4 है, तो भाई देखो सीधी सी बात है, थोड़ा सा हलचल मन डोल रहा है, क्लियर। तो जिन लोगों को लग रहा है कि ऐसे जाएगी, सपोज करो थोड़ी देर में 5 न्यूटन वाले ने ऑब्जेक्ट को यहां से यहां खींच लिया थोड़ा सा, तो इतनी देर तक ये चुप बैठेगा, नहीं बैठेगा। जीव क्या होगा, भले ही कम ताकत लगा रहे हो तो कहा है, जीव क्या होगा, कैसे ले जाओ मुंह पे थे, क्लियर। तो ऑब्जेक्ट न तो बिल्कुल ऐसे जाएगा, न बिल्कुल ऐसे जाएगा, ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, ऐसा नहीं लगता ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार जाएगा। बोले भैया इसको बोलते हैं रिजल्टेंट, क्या बोलते हैं, हाँ दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ कुत्ता एंड बिल्ली, क्लियर। का रिजल्टेंट है ये, हाँ कुत्ता एंड बिल्ली का, सीन क्लियर है। बताइए जरा, देखें कौन सा बताओ, जो ऑब्जेक्ट है कुत्ता जालंग खेच रहा, बिल्ली जालंग खेच रही, बताओ कितने जाओ। हाँ तो ये कहा है, जाको कहा है, कुत्ता बिल्ली रिजल्टेंट, कुत्ता बिल्ली रिजल्टेंट निकाल लो, निकाल लो। अच्छा बताइए जी, मैंने कहा शेप बना हुआ है सर्कल पे, ये मैंने कहा ड्रॉ करी है, हाँ ठीक है, वैसे गैप है निकल को, सो कोई बात नहीं, ठीक है, टेंजेंट है ना, जानते हैं हम सब लोग। चलो फिर काम की बात करते हैं, क्वेश्चन है मेरे सामने, डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, रेडी एवरीवन, लुक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये है क्या, तो गौर से सुनिएगा। सपोज करिए ये चार्ज है, ठीक है, क्या है ये चार्ज, ठीक है, तो चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, आप लोगों ने कही है मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कही ना आपने, लिसन एवरीवन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर कुछ होता है, वो होता तो है पर नजर नहीं आता, और वो होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, क्या फिर से बोलो, कहां होती हैं, अबे कहां होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहां, जिस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, क्लियर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, सीन क्लियर है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है ना, जैसे सपोज करिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे होती है, लाइक दिस, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ये होती है पर हमें नजर नहीं आती, सीन क्लियर है सभी को, नजर नहीं आती, यानी इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है नहीं है, है क्लियर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की ये क्वालिटी होती है कि ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाती है। आप एरोज देखिए, एरोज ऐसे जा रहे हैं, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे होती, लाइक दिस, गॉट माय पॉइंट एवरीवन, सीन क्लियर है सभी लोग, क्लियर। तो दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, गॉट इट एवरीवन, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती हैं, क्लियर, इनविजिबल होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, हमें दिखाई नहीं देती, क्लियर है। तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। अच्छा दूसरी बात, सपोज करिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है यहां पर और ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और नेगेटिव चार्ज पे आगे खत्म हो जाएंगी, लाइक दिस, क्लियर, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी, नेगेटिव चार्ज पे आगे खत्म हो जाएंगी, लाइक दिस, समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को, क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है। जिस प्रकार मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाई हैं, वैसे ही अगर मान के चलिए यहां कोई मैग्नेट होता, क्या होता बच्चों, मैग्नेट, सुना है मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, राइट। तो ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस।
और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन होती है वो मैग्नेट के बाहर तो होती है नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर कैसी होती है? साउथ टू, अरे मैग्नेट के अंदर कैसी होती है? साउथ टू नॉर्थ, क्लियर। बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ, क्लियर। बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? ज्यादा नहीं बना रहा हूं बस। सीन क्लियर है ना? तो किसी ने अगर पूछ लिया मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन कहाँ होती है, तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। सीन क्लियर है? अच्छी बात है। ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कहाँ होंगी? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कहाँ होंगी ये? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे की बात करता हूं, गौर से सुनिएगा। यहां पर आप मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को जो देख रहे हैं वो मैग्नेट के अंदर है या नहीं है? है ना? यानी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इनसाइड द मैग्नेट, क्लियर। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस डज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इनसाइड द मैग्नेट। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से शुरू हुई, नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म हो गई। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? आगे की बात यहां पर गौर से देखिएगा आप लोग। सपोज करिए ये एक मेटलिक कंडक्टर है, ये एक मेटलिक कंडक्टर है, इसको मैंने चार्ज दिया, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसे लिखने की, लाइक दिस, क्लियर। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस के हमेशा नॉर्मल, नॉर्मल समझते हो ना, परपेंडिकुलर, क्लियर, परपेंडिकुलर होती है हमेशा, क्लियर। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। लेकिन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो होती हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का मैग्नेट के परपेंडिकुलर होना कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है सभी को? तो किसी ने अगर पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस में डिफरेंस बताओ, तो क्या मैं बता पाऊंगा? क्लियर, मैं एक बार बोल रहा हूँ, आई एम द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, यू आर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। मैं कुछ अपना कह दूंगा, कुछ आप अपना कह देना और सिलसिला बन जाएगा, क्लियर। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर द ओपन, अच्छा हेलो, मैं जो बोलूंगा अपने उल्टे सीधे भी बोल सकता हूँ, तो तुम करेक्ट भी कर देना है, समझ गए, क्लियर। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर द क्लोज्ड स्मूथ कर्व, ओपन स्मूथ कर्व। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर द क्लोज्ड स्मूथ कर्व। अच्छा एक बात और समझ लो यार, भैया ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आप बना रहे हो, तो वो ऐसे बना रहे हो या ऐसे बना रहे हो? ये वाला बना रहे हो कि ये वाला बना रहे हो? ये वाला बना रहे हो ना? इन दोनों कर्व को ध्यान से देखो, कौन सा स्मूथ है कौन सा रफ है। ये स्मूथ है, आपने इसी टाइप के बनाए तो ये स्मूथ हुए ना, क्लियर है। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर द क्लोज्ड स्मूथ कर्व, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इनसाइड द मैग्नेट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस डज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, क्लियर, समझ, या प्रेजेंट आउटसाइड द कंडक्टर। गॉट इट एवरीवन? ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती है। ये मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है, क्लियर। ये कंडक्टर के सर्फेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लेकिन इनका परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। सबसे पहले आप लोग एक क्वेश्चन होगा वहीं कहीं देखो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस में डिफरेंस बताइए, क्लियर। पहले इसको चिपकाओ, फिर मैं वापस आऊंगा, इसके बाद आगे की कहानी आप लोगों से कहता हूं, गौर से देखेंगे सभी लोग। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के बीच में डिफरेंस हमको क्लियर हो गया। अब हम वापस वहीं आते हैं जहां हमारा क्वेश्चन था, डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज करिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसे ही तो होती है, क्लियर, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ, यस और नो, ठीक। और पहले आप बताओ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कहाँ पर ड्रॉ की जाती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कहाँ होती हैं? ये मैंने सपोज करिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, क्लियर। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं, ओपन क्यों बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, स्मूथ क्यों बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो ऐसे बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर द ओपन स्मूथ कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज आर द ओपन स्मूथ कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है।
आगे की कहानी आपको समझ नहीं आएगी, कौट के पी जाओ, 2 मिनट बाद बताऊंगा कि ऐसा क्यों। क्लियर? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के किसी भी पॉइंट पर, सपोज करिए मैंने ये पॉइंट ले लिया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये लो, क्लियर है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? क्लियर डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द ओपन स्मूथ कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन विच इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट देन इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब हमको ये थोड़ा सा इतना तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द ओपन स्मूथ कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, आ गया थोड़ा अलगा सो है, क्लियर है ना? तो इसको समझने की कोशिश करें, मैं फिर से बोल रहा हूँ डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द ओपन स्मूथ कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन विच इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट देन इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे मुझे जा पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो मैं कछु नहीं करूं, जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अब बात आती है क्यों है गई, अब बात आती है क्यों है गई, तो कारण समझो। आप बताओ ना, ये पॉइंट है भैया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन होगा? चार्ज, चार्जन की वजह से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। यहाँ पे कितने चार्ज दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से, चलो बता दो। तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, बताओ। मैंने दिशा डायरेक्शन निकालना सिखा दिया आपको, जिस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी होती है पॉजिटिव मानते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव कितने कौन जाओगे ऊपर, तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे हो गई, इसके कारण इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे। अब आप बताओ इसका और इसका रिजल्टेंट कैसे होगा, ऐसे आ गई, नहीं है बस सीन ले रहा है। आओ इधर देखते हैं, ऐसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा तो जा चार्ज की वजह से, जा चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पर डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे ऐसे, और इस चार्ज की वजह से इस पर डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे। तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे हो गया, समझ में नहीं आई हुई ने, इसीलिए बोला था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर द ओपन स्मूथ कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन विच इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट देन इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। 1 से 2 मिनट का समय दिया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का केवल डेफिनेशन पढ़ लें, उसके बाद प्रॉपर्टीज पे आऊंगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अब गौर से सुनिएगा सभी लोग, किसी ने मुझसे पूछा है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो अभी अभी मैंने बताया, गौर से सुनिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है इस पे अगर मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चल जाता है, बोलो भैया अभी अभी बोला है मैंने, तो सुनो प्रॉपर्टीज, एक दो प्रॉपर्टी तो जो डेफिनेशन में तो ही निकल आएंगी। पहली प्रॉपर्टी, इट इज द ओपन स्मूथ कर्व, ठीक है। दूसरी, इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस देन इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, क्लियर। तीसरा, इलेक्ट्रिक, सॉरी ये मैग्नेटिक बना दी मैंने इधर, है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, है ना। जैसे मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैग्नेट के अंदर प्रेजेंट थी, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती है वो कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। बात समझ में आ रही है सभी को, आगे की बात। इसके बाद अगली बात आती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, क्लियर। ऐसे पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पर आकर खत्म होती है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ कंडक्टर, सीन क्लियर है। आगे की बात, आप बताओ मुझे, एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, झटका किसको ज्यादा लगेगा, पास वाले को ज्यादा लगेगा, यानी जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास पास होती है वहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है, जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दूर दूर होती है वहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। व्हेन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर नियरर टू ईच अदर देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाई एंड इफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर फार फ्रॉम ईच अदर देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लो, बोलो क्लियर है। बताना जरा मुझे, देख कौन सा बतावे हम ऊपर थे, ये लो, ये मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाई है, दिख रही है आपको, यहां पर ये एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है ये बी, ठीक है, ये ए, ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ई ए बड़ा है ई बी से, दूसरा ऑप्शन ई ए छोटा है ई बी से, तीसरा बराबर है और डी नन ऑफ दिस, बताओ भैया है ए, ये वाला, क्यों, क्योंकि यहां पे पास पास है ताते, है ना, तो यहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी या कम होगी, गॉट माय पॉइंट, जे तो को बता दे तो जा मैं बताऊं इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है,
ये वाला है या राइट, ना तो जहां मैं कहता हूं पास पास दिख रही है, ना कहता हूं दूर दूर दिख रही है, इसका मतलब दोनों बराबर है, खुद ही बता दो। इसको देखो, इसको देखो, और बताओ कौन सा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, क्लियर। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर। इक्विडिस्टेंट का मतलब जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही ये होगा, समझ गए। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर। गॉट माय पॉइंट एवरीवन। अगली बात, दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। आप एक बात बताओ, एक साथ एक ही समय पे एक इंसान दो जगह हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। सेम यहां पर है, गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या? टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सपोज करिए मैं यहां पर, ये दो चार्जेस हैं, ये मैंने एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस और ये दूसरी, कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। मैंने दो मिनट के लिए इंटरसेक्ट करवा दी तो भैया ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया है। और मैंने सुना है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के किसी भी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाती है तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। तो आप गौर से देखिएगा, ये वाली अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की बात करूं, इसके हिसाब से टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, और इस वाली इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के हिसाब से इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। यानी एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन हो गई, और ऐसा होना इम्पॉसिबल है। दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, और ऐसा होना असंभव है। टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन एट इंटरसेक्शन पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन व्हिच विल शो द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? तो एक बार मैं शॉर्ट एंड स्वीट पूरा आंसर फिर से बोल रहा हूं, लपक लो, क्लियर। क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आंसर, डेफिनेशन सबसे पहले, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर द ओपन स्मूथ कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन विच इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट देन इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, क्लियर। प्रॉपर्टीज, नंबर वन, इट इज द ओपन स्मूथ कर्व, क्लियर। दूसरा, इट डज नॉट प्रेजेंट इन साइड द कंडक्टर। तीसरा, इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस देन इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, क्लियर। अगला, इफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर नियरर टू ईच अदर देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाई एंड इफ दे आर फार फ्रॉम ईच अदर देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लो। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ कंडक्टर, क्लियर। टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन एट इंटरसेक्शन पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन विच विल शो द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। होप यू अंडरस्टैंड गाइस, सीन क्लियर है? फटाक से पढ़ लो जल्दी से इसे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम लोग आज की क्लास खत्म करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।